तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा सफ़र का दूसरा दिन था और मज़े की बात यह है कि कल हम रात को जब अपने काम से बहुत लेट निकले तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और जाते जाते हम अपने लिए टेंट के लिए जगह ढूंढी, लेकिन टेंट के लिए हमें जगह मिल नहीं पाई और हमारे टेंट का एक जो डंडा था वो टूट चुका था, तो जिसके कारण हमने अपना टेंट यहाँ पर लगवाया नहीं लगा और फिर हमें लास्ट में अपनी इस कार के अंदर सोना पड़ा। इस कार के अंदर हम अपनी सोए हैं और इस जगह अनुभव कैसा रहा आपका कार के अंदर सोने का, क्योंकि टेंट की डंडियाँ तो तोड़ दी थी आपने। टेंट की डंडियाँ तोड़ी नहीं गई थी, वो पहले से हमारे पास जो मौजूद थी टूटी हुई। हाँ, टूटी हुई आई थी जी। मतलब ये बहुत कारण क्या हुआ, हमें विवत्स आपका सामना हुआ था रात का। रात का सामना हुआ, टेंट लगाने की जरूरत पड़ी। हाँ। लेकिन वो हमारी कहने से लगा दे। लेकिन फिर हमारे जीवन तिवारी ने सूझबूझ से निर्णय लिया। हाँ। और हमको फिर कार में धकेला और फिर वहाँ सुला दिया। आपका अनुभव सही रहा? अनुभव बहुत बढ़िया था, मैं अटक नहीं रहा था कार में। हाँ। कितनी छोटी सी जगह में देखा था, आप इनको दिखाना चाहेंगे कितनी छोटी सी जगह में अट गए। कल ये देखिए, ये इतना बड़ा इंसान और इतनी सी जगह, इन्होंने कल अपने आप को एडजस्ट किया कि पीछे पूरी पेंटिंग से भरा पड़ा था। कल ये हमारा बिस्तर था, एक जना उस जगह सोया था, एक जना इस जगह सोया था, एक जना पीछे सोया था। तो कल रात का आपका भरपूर नींद आई। हाय फ्रेंड। और रात में नींद का कैसा आलम था? पूरा भरपूर नींद आई, शायद सभी ने, हमारे जो साथी थे उन्होंने भी भरपूर नींद ली। सबसे अच्छी नींद रही होगी ना हमारी? सबसे अच्छी नींद ली, सबसे मजेदार नींद रही हमारे साथ की अभी तक की। 6 बज गए। हाँ, 6 बज गए। हम टाइम पे, हम रात को थोड़ा लेट हो गए थे, क्या बाजार में 11, 11:30, 12 हमें कोई होटल नहीं मिल पाया, तो हमने अपना होटल ये बनाया है। अच्छी चीज़ है ये, घर एक छोटा सा काम आता है आपके और हमारे भी। अब नित्य कर्म करके हम यहाँ से निकलेंगे मलाना को और ये देखिए, तो एक रात यहाँ गुजारने के बाद, एक कोशिश करने के बाद टेंट की जो हमसे कभी नहीं लग पाया है उसको हमने रख दिया, गाड़ी के अंदर भर दिया है। अब हम यहाँ से निकलने को तैयार हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे मलाना के लिए, मलाना जाएंगे और मलाना में इन भाई को कुछ लोगों से, सभ्यताओं से मिलना है, तो सभ्यताओं से मिलेंगे। अनेक सभ्यता है। हाँ, वहाँ से एक सभ्यता को इन्होंने मिलना है, उससे जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन है, उसके बाद फिर इन्होंने नई सभ्यता बनानी है। हाँ फ्रेंड्स, अभी फोटो खिंचाते हैं और आपको मिलते हैं आगे। हम निकलने को तैयार हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, हम निकलने को तैयार हो, हम निकलेंगे यहाँ से। अपनी गाड़ी बैठ चुके हैं और पालमपुर के रास्ते हम बैजनाथ पहुंचे हैं और बैजनाथ में शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अब वहां जाते हैं। अभी तो हम रास्ते में यार, बीच में बारिश पड़ गई, खाना खाने के लिए रुके हैं। अभी खाना आ गया हमारा, खाना खाने के बाद फिर हम आगे को निकलेंगे। बीच में आप रुके हो, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर माँ गंगा उतरी चुकी है। उतरी है, बहुत तीखा है। तुम कुछ कहना चाहोगे? बहुत मजा आ रहा है, बारिश भयानक बारिश हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है? मौसम चाहते थे हम यहाँ आने के बाद, वैसा ही हमको मिल रहा है। मिल रहा है और ठंडा बहुत, बहुत भयानक ठंडा है। Thank you.
हिमाचल के बाद मलाना जो जगह है जहाँ हमें घूमने जाना है वो आने वाला है, देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत मज़ेदार हमें चीज़ दिखी है, आप देखेंगे जैसे कि यहाँ से ट्रॉली माध्यम से आपके इस जो नदी बह रही है नीचे, सामान को उस गांव में पहुंचाया जाता है। ये देखिए जो दूर दराज के पहाड़ के गांव हैं उनमें। क्या आपके भी कहीं गांव घरों में ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कहां रहने वाले हैं और किस जगह इस तरह ट्रॉली से सामान भेजा जाता है। यह है कसौल, बाकी सब ठीक है, लेकिन हमें पता चला कि मलाना के लिए रास्ते पीछे जरी से थोड़ा आगे है, तो हमें वापस अब पीछे जाना पड़ेगा। तब तक हमने सोचा थोड़ा मार्केट का ही मज़ा ले लेते हैं और फिर वापस हम मलाना के लिए निकल पड़े। तो हम पहुंच चुके हैं, अभी हम निकल गए थे आगे, क्या नाम है आपका, कसौल, लेकिन कसौल में हमारी मंजिल नहीं है, हम थोड़ा आगे निकल गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं मलाना को, मलाना के लिए सीधा सीधा रास्ता ये है, हम यहाँ से आगे को निकल। तो फाइनली हम मलाना पहुंच चुके हैं और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था ये, और ऊपर आप देखेंगे तो बिजली भी कड़क रही है, अभी आवाज़ आएगी, बहुत ख़तरनाक सफ़र। अब हम आपको अभी दिखेगा नहीं, लेकिन हमें वो सामने वो गांव जाना है, उस गांव में वहां के लोगों को छुआ नहीं जाता ऐसा सुना है, आज देखते हैं। लाना गाँव में पहुँच चुके हैं और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है, हालाँकि जो जिस जगह में जाना था वो थोड़ा सा ऊपर है, 5 किलोमीटर का रन था, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, उसमें पूरे भीग जाते हैं। और हमने ये अभी रहने के लिए एक होटल है, देखिए कल सुविधा का अगर मौसम सही रहता था हम सुबह सुबह वहाँ पर निकलेंगे। हमारी रात है कुछ सेकंडों में बीत जाएगी, तो आपको कल सुबह दिखते हैं कि क्या हो रहा है इसके बाद, तब तक हम आराम करते हैं और आप सेकंडों का इंतजार करिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मलाना गाँव का हमारा दूसरा दिन है, कल रात को हम यहाँ पहुँचे थे, बहुत लेट हो चुके थे इसलिए हम आज कल रात को हुए हैं, फिर इसके एहसास में रुक गए थे। और वो सामने आप जो देख रहे हैं जहाँ हमें जाना है अभी, ये रास्ता है और वो सामने गांव है मलाना गांव सामने, और उससे तैयार हो? बहुत, हम रेडी हैं और बहुत गांव में जाना है। उस गाँव में देना, तुम तो रेडी हो? बिल्कुल रेडी है, चलेंगे। हम आज मलाना गांव देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इच्छा थी आज इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्या लुक दिया है मुझे आगे। एक वैली होम स्टे में हम रुके हैं और बहुत अच्छा इनकी सर्विसिंग थी, धन्यवाद बाबा, और फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे, ठीक है। अभी अभी हम सीधे खाती गाँव के रास्ता कौन सा है? ये मलाना रास्ता है, मलाना वाला रास्ता है, पूरा मलाना ही है, ये निरांग बोलते हैं वैसे, निरांग। अच्छा, ये निरांग ऊपर वो जो वो है मलाना, वो ऊपर हुआ, वो गांव, वो गांव हुआ। अच्छा, रास्ता कहाँ से होगा भैया? रास्ता यहाँ से थोड़ा पीछे जाओगे, हाँ हाँ, अगर पीछे गेट है, हाँ, मेन गेट से नीचे को रास्ता जाता है ना, ऊपर रास्ता बिल्कुल साफ, ठीक है। बहुत बहुत खुशी आपसे मिलकर, ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, तो चले गाइस, ओके भैया, वो जा रहे हैं। और ये ज्यादा मिट्टी से भरा पड़ा है, हम कीचड़ कह सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी में फंस जा रही थी कल, लेकिन फिर भी हम कल अपनी गाड़ी यहाँ तक तो लेके आए, नीचे एक बार के लिए फंस चुकी थी गाड़ी, पर चलता है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी गाड़ी है, कल हमने गाड़ी यहीं बुला दी थी, रास्ता बहुत कम था, और तैयारी चल रही है, यहाँ पे फोटो खींची जा रही है, हम उधर को जाएंगे।
और कीचड़ में आइए आप आइए, और ये रास्ता यहाँ से जाना है वो वहाँ पे। वो जो आप देख रहे हो रोड है, और एक बहुत लंबी दूरी तय करके एक पहाड़ नदी को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है मलाना गांव। ये हमारे संगी साथी। तो कैसा हुआ, थक रहा आप? बहुत बढ़िया आ रहा है। कितना थक? मजा आ रही है हमारी। अब हम बस ये बात कर रहे हैं कि यही मलाना गांव है, इससे थोड़ा और बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट होटल वगैरह ही दिख रहे हैं। हाँ, पता करना पड़ेगा। डर है कि इससे आगे और ना जाना पड़े, किसी लोकल वाले से पता करना पड़ेगा हमें। लोग आ रहे हैं, तो कंफर्म हो गया कि यही मलाना गांव है। बोल दिया गया, हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं चलना पड़ेगा, अब यही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वो देखिए रास्ता, सांप सीढ़ी जैसा जा रहा है। देखिए ये ऐसे सांप है, सांप सीढ़ी जैसा रास्ता जा रहा है। हमारी गाड़ी वो कहीं उधर उस जो लकीर देखिए वहाँ पे कहीं खड़ी है हमारी गाड़ी। हमारे पूरा पहाड़ हम क्रॉस कर चुके हैं, और कुछ साथी लोग हमारे आ रहे हैं वहाँ से। पहुँच गए हम मलाना विलेज की तरफ। बस सर, कंक्रीट के जंगल यहाँ भी तैयार हैं। ये यहाँ के देवता का मंदिर है, इसको छूना मना है, इस पे जुर्माना है 3500। दो बातों के लिए फेमस है, पहला मलाना क्रीम चरस के लिए, दूसरा यहाँ इनके अपने कानून के लिए जो बाहर से आए लोगों को अपने आप को छूने नहीं देते। मंदिरों को छूने पे जुर्माना है, अजब बात है। अगर आप यहाँ की दुकानों से कुछ सामान लेते हैं तो ये डायरेक्ट आपको वो सामान नहीं देंगे, ये सामान को जमीन पर रख देंगे, फिर आपको उसी जमीन से सामान को उठा के लेना पड़ेगा, पर इनको आप छू नहीं सकते, अजब कानून है। इस गांव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप यहां के रहना चाहते हैं तो अपना टेंट खुद लेके आएं, गांव के बाहर उस टेंट को लगा सकते हैं, पर गांव में रहना यहां के कानून के खिलाफ है, प्रतिबंधित है। और बाहर से आए हुए लोगों ने यहां कुछ कैंपिंग साइट बनाई है जहां आप रह सकते हैं, तो मज़ा लीजिए यहां आइए, यहां के लोगों को देखिए, यहां के अलग प्रकार के कानून को देखिए, और मलाना क्रीम देखना चाहे तो देख लो। और ये देखिए सभ्यता, जहाँ इंसान रहता है वहाँ गंदगी कर ही देता है, इससे पता चलता है कि इंसान कैसा है। आखिर क्यों, क्या इसका कोई इलाज नहीं? लोग जा रहे हैं, उनको जिग जैग वहाँ पे जाना है, वो जो सामने की रोड है हमें वहाँ जाना है। और बाकी कैसा फील किया आपने? तो हम भी चल निकलते हैं, ये रास्ता ऐसे घूम के जाएगा और हमें उस पहाड़ी पर। हम वापस आ चुके हैं जहाँ कल हम रात हमने स्टे किया था, यहाँ थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीधे निकल पड़ेंगे घर की तरफ।
अगर रास्ता सही टाइम रहा तो चंडीगढ़ रुकेंगे, नहीं तो सीधे हम रास्ते में अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी वाले टेंट में हम रह सकते हैं आज। हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, होना पड़ेगा, होता आज भी हमेशा होगा, इतिहास है वो। और जहाँ भी पहुँचेंगे रात को पहुँचेंगे, ये अखंड वाला इतिहास है। ठीक है, गाड़ी में मिलते हैं, गाड़ी में। जरी का बहुत भयानक जाम लगा है, आगे तक देखिए लाइन ही लगी गाड़ियों की। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है देशों में कि सब पहाड़ों की तरफ भागे जा रहे हैं और खूब भीड़ बढ़ा रहे हैं, उनमें से हम भी एक ही हैं। वाटरफॉल व्यू में अभी बैठे हैं और हमारे साथ हैं जीत ठाकुर, और जिनको जॉम्बी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, कुछ बताइए हमें, जैसे कि क्या मतलब यहाँ खास है, और मतलब लोगों के बारे में कहा जाता है यहाँ लोग अलग अलग, मतलब छूते ही नहीं है, क्या है इसके बारे में कुछ बताओ। ये मेन ऐसा है कि ज़्यादा कैटेगरीज का रहता है यहाँ पे, ऐसे जो जनरल कास्ट के होंगे उनको यहाँ पे माना जाता है वैसे। अच्छा अच्छा, बाकी यहाँ पे जो देवी देवताओं की जगह है जहाँ पे छूना नहीं पड़ता है, मंदिर लिखा हुआ जहाँ पे बोर्ड लगे हुए, वहाँ पे ऐसा कि वो जगह बहुत पवित्र है, मतलब उनको गांव के भी कई लोग छू नहीं सकते। अच्छा, वैसा होता है वहाँ पे, तो मतलब बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। जो मतलब कैटेगरी में जो ऊपर होंगे वो उसको छू सकते हैं, मतलब वो वहाँ भी नहीं, कई बंदे वहाँ भी नहीं छू सकते। अच्छा। ऐसे मंदिर में जा सकते हैं वो लोग, छू नहीं सकते, पर कई जगह गांव में ऐसी है वो गांव वाले खुद भी नहीं छू सकते। तो कौन लोग हैं जो मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं वहाँ पे? वो एक कमेटी होती है गाँव की, कमेटी है, वो सारे फैसले वही लेते हैं, पंडित जो है पूजा वाले वो अलग से होते हैं। और बाकी लोगों से मिलना जुलना हो रहता है, मतलब लोगों को छू सकते हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, लोगों को छू सकते हैं। जैसे आप आओगे गांव के किसी लोग को हेलो करके, आपका दोस्त है कोई, तो मतलब उसको इमीडिएटली उसके जाके बाद हाथ हैंड वॉश करने पड़ेंगे, तुरंत करने करना पड़ेगा, फिर से हैंड वॉश करना, साफ रहना पड़ेगा उसको। तो और मतलब और घूम सकते हो, यहाँ के कुछ कहानियाँ होंगी, हर जगह होती है कहानी यहाँ पे। ट्रैकिंग प्लेस भाई जी, एक तो वो है ऊपर, देखो सामने दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाला पार्ट चंद्रखणी नाम से पार जाना जाता है। ठीक है, चंद्रखणी। हाँ जी, चंद्रखणी। तो यहाँ की स्टोरी ऐसी है भाई जी, मतलब काफी टाइम पहले अंग्रेजों के टाइम में शासन करने आ गए थे यहाँ मलाना गांव के ऊपर, मतलब जो यहाँ के लॉर्ड है जमदग्नि ऋषि, उनकी कुछ ऐसी शक्तियाँ लगाई उन्होंने, वो अंग्रेज वहीं पे पत्थर की मूर्तियाँ बन गई है। अच्छा, ऊपर ही। हाँ जी, आज भी होंगी मूर्ति? अभी भी वो वहीं पे वैसे ही है। अच्छा, और बाकी यहाँ मतलब, बाकी एक दूसरा पहाड़ इस साइड है, ये पहाड़ आपको रसौल ले जाएगा, इस पहाड़ क्रॉस करके रसौल में पीछे डायरेक्ट रसौल भी उतरवा देगा। अच्छा, और कहानी के बारे में बता रहे थे आप, यहाँ लोकल भाषा के बारे में अगर रहने, यहाँ पे भाई जी कनासी भाषा बोली जाती है, कनासी भाषा। सब सुन आप ही, कनासी भाषा बोली जाती है, मतलब वो यहाँ पूरे हिमाचल क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे अलग भाषा है वो, मतलब। अच्छा। ऐसी भाषा पूरे देश में नहीं बोलते, अलग ही है वो। तो यहाँ से लोग बाग भाग नौकरी करने बाहर ही निकलते होंगे? बाहर तो बहुत कम, अब वाली जो जनरेशन आ रही है अब पढ़ रहे हैं अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, शायद आने वाले 8-10 सालों में हो जाए सही एजुकेशन, मतलब। वैसे तो अभी गाँव में मेरे हिसाब से 4-5 ही होंगे जो जॉब कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट मिला के। अच्छा अच्छा, और स्कूल कितने तक है? 6-10 स्कूल यहाँ पे, फर्स्ट से प्राइमरी तक है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है। अब यहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है गांव में, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसमें अटैच बहुत अस्पताल भी बन रहा है उसमें, और स्कूल भी बन रहा है, मतलब विकास हो रहा है, मतलब विकास तो हो रहा है।